मिशन भागीरथ में भी घोटाला हुआ। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कमीशन खा खा के सरकार ने आपको लूटा है। देखिए, सरकार का ना कोई पैसा नहीं होता, जो सरकार का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है, जनता की संपत्ति होती है जो सरकार जनता के लिए इस्तेमाल करती है। और जब ऐसी सरकार आती है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी संपत्ति, वो लूटती है और आपके आपको निकालती है, आपके लिए काम नहीं करती, तो आपको एकदम सावधान होना चाहिए। देखिए, जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसने क्या किया? जो देश की संपत्ति है, बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, जितनी भी देश की सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे दिए। जो कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों के थे उनको हजारों करोड़ों में माफ कर दिया। लेकिन जब किसान के कर्ज की माफी की बात आई तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। जब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है। उसी तरह से जो तेलंगाना में सरकार चल रही है उससे आपका पैसा लूटा और आपको आपके लिए अच्छी अच्छी स्कीम बनाकर, जमीन पे उन स्कीमों को लाकर आपकी सहायता करने के बजाय आपको लूटा। तो आपको समझना पड़ेगा कि 10 सालों में जो भी हुआ है तेलंगाना में, सैंड माफिया, लैंड माफिया, वाइन माफिया, माइन माफिया, सबको सरकार ने उन संरक्षण दिया, फूलने फलने दिया। लेकिन यहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान, यहाँ की बहने आपको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपको ठीक तरह से सोच समझ कर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप अपने प्रदेश में 10 साल 5 साल और यही 10 साल का राज लाओ, जिसने आपके लिए कुछ किया नहीं, जिसमें आपने सिर्फ लूट देखा, सिर्फ केसीआर जी के परिवार का विकास देखा, सिर्फ ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो अपने महल बना रहे हैं, उनका अच्छा अच्छा जीवन गुजर रहा है, लेकिन आप तरस रहे हैं, आप परेशान हैं। अगर आप ये सब खुद अपनी आंखों से देख रही हैं और आपका अपना अनुभव है कि आपका जीवन वही का वही रहा है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप बदलाव लाएंगे, तो आप ये प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के बाद एक ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे। आप देखिए, मोदी जी यहाँ आते हैं वो कालेश्वरम के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं के घर में अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई भेज देते हैं कि जाइए जांच करिए। लेकिन जो घोटाले यहाँ हुए हैं, जिनसे आपके पैसे लूटे गए हैं, उनसे उनके बारे में जांच करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं ना कहा और ना किया। बीजेपी और केसीआर जी मिले हुए हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल आती है तो केसीआर जी की पार्टी बीजेपी के साथ में उसके लिए, उनकी सहायता करने के लिए वोट देती है। समझ लीजिए, जब काले कानून आए थे किसानों के लिए, तब टीआरएस ने बीजेपी के साथ उन कानूनों को वोट दिया पार्लियामेंट में।